साथियों, आप लोगों के मांग पर आज हम विषय लेकर आए हैं वर्ग ज्ञात करना कि हम किसी भी संख्या का वर्ग बहुत कम समय में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मांग पर ही लेकर आए हैं, समझा रहे हैं। जैसे हमको कोई संख्या 123 का वर्ग ज्ञात करना है, बहुत कम समय में चुटकी में हम इसका उत्तर कैसे ज्ञात करते हैं ये ध्यान पूर्वक समझिएगा। बहुत ही सरल, आपको सरलता से इसको हम समझा रहे हैं। सबसे पहले 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होता है हमारे पास 9 प्राप्त होता है, 3 × 9। उसके बाद 2 अंक लेंगे और दोनों का गुणा करके उसका दुगना कर देंगे तो 3 × 6, 6 का दुगना कर देंगे तो 6 × 12 का 2 हासिल 1। उसके बाद 3 अंक लेंगे तो वहाँ ध्यान रखेंगे पहले और तीसरे का है ना गुणा करेंगे और बीच वाली संख्या का वर्ग करते हैं। देखिए पहले और तीसरे का गुणा करके दुगना करना है, 3 × 3 उसका दुगना कर दो 6 और 2 × 4, 6 और 4 को जोड़ देंगे 10, 10 और 11 का 1 हासिल 1। उसके बाद क्या करते हैं ये 3 को छोड़ देते हैं है ना, उसके बाद ये दोनों संख्या का गुणा करते हैं। अब 2 अंक है इसलिए हमें से उसको ध्यान रखना है, जहाँ भी 2 अंक का गुणा होता है उसका दुगुना करते हैं, 2 × 2 उसका दुगुना कर दो 4, 4 × 5। उसके बाद ये 2 वाले अंक को भी छोड़ देते हैं। अब हमारे पास बचा 1, तो 1 का 1 अंक है इसलिए वर्ग करते हैं, 1 × 1। इस प्रकार हमारा उत्तर 15129 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से और देख लेते हैं, दूसरी संख्या ले लेते हैं 3, 3, 2 का वर्ग। कोई भी संख्या ले लेते हैं, हम छोटी संख्या इसलिए ले रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इसमें क्या करते हैं, पहला 1 अंक लेते हैं तो 1 अंक लेंगे तो उसका वर्ग करते हैं तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। उसके बाद 2 अंक लेंगे, जब भी 2 अंक लेते हैं तो उसका दुगना गुणा करके दुगना करते हैं, 3 × 6 और 6 का दुगना कर दो 12 का 2 हासिल 1। अब तीसरे बार में 3 अंक लेंगे तो कैसे लेते हैं, ये पहले और तीसरे अंक लेते हैं और 2 अंक है इसलिए उसका गुणा करके दुगना करेंगे, 3 × 6, 6 का दुगना कर दो 12। अब ये 3 बचा है उसका वर्ग करेंगे, 1 अंक है तो वर्ग करेंगे, 3 × 9, 12 × 9 = 21 और 1 × 22। उसके बाद 1 अंक छोड़ेंगे, अब हमारे पास 3 और 3 बचा, 2 अंक है तो 3 × 9 और जब 2 अंक होता है उसको क्या कर देते हैं दुगना कर देते हैं, 9 × 18 और 2 × 20 हासिल 2। उसके बाद इस अंक को भी छोड़ देंगे, हमारे पास क्या बचा 3, तो 3 1 अंक है इसलिए उसका वर्ग करेंगे, 3 × 9 और 9 × 2 = 11। इस प्रकार से हमारा उत्तर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो गया। दूसरे अंक ले लेते हैं 4, 1, 2 का वर्ग, 4 × 12 का वर्ग ज्ञात करना है। देखिएगा सबसे पहले हमारे पास 1 अंक लेंगे तो 1 अंक 2 है तो 2 का वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग होता है हमारे पास 4। उसके बाद हम 2 अंक लेंगे तो दोनों का गुणा करके दुगना करेंगे, 2 × 2 और उसका दुगना कर दो तो 2 × 4। तीसरे बार में हम क्या करते हैं, इसी को पहले और तीसरे का गुणा करेंगे और मध्य वाले का वर्ग करते हैं, देखेंगे 4 × 8 और 2 अंक है इसलिए उसका दुगना करेंगे, 16 और 1 × 1, 16 × 17 का 7 हासिल 1। उसके बाद इकाई के को छोड़ते चलते हैं, अब हमारे पास 41 बचा, 41 को 2 अंक है इसलिए दोनों का गुणा करेंगे और फिर उसका दुगना कर देंगे, 4 × 4 उसका दुगुना करिए 8, 8 × 9। उसके बाद 1 को भी छोड़ दिए, हमारे पास बचा 4, 1 अंक है इसलिए उसका वर्ग करते हैं, 4 × 16। इस प्रकार से हमारा उत्तर प्राप्त हो जाता है ना। तो
तो साथियों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो YouTube पर जाइएगा और मालिक राम वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने परिजनों को, अपने चीज परिचितों को, आपके ग्रुप जितना भी बना है सब में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।